नाम नहीं ले मैं दी मेरे लड़की के साथ दे अक्टूबर में थी जी सामान ले रखा था शिफ्ट करे जी रिश्तेदारी में वो सामान खराब हो जाएगा जी पैसा लगे था जी गरीब लोग है जी पर जी हाँ जी डर कम हो रहा है जी बहुत ज्यादा पानी का जी तब तक यहाँ जी मान लो रात को पानी छूट जाए पीछे और जमीन का कटाव हो जाए जी रात रात में जी तो रात में कहाँ जाएगी। मेरा नाम सुभाष है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ सर। ठीक है सर, और माहौल तो डर का माहौल बना हुआ है गांव में। इस भूमि कटाव की वजह से ही डर का माहौल है। ये बहुत दूर थी जो गांव के पास लगी है और प्रशासन हमारी मदद कर रहा है, चाहे पुलिस है चाहे मिलिट्री आई थी उसने भी मदद करी, और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के SDO JE परमानेंट यहीं बैठे हैं सर। प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है, सभी सहयोग कर रहे हैं और गाँव वाले उनसे भी ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं सभी। सर सामान ले के 10-15 लोगों के गए जो रिश्तेदार आए हैं लेने के लिए सामान, वो रिश्तेदार ट्रैक्टर ट्राली लेके आ रहे हैं, वो सामान को लेके जा रहे हैं सेव करने के लिए, तो खतरा किसी भी टाइम गांव में बढ़ सकता है सर, इसलिए जा रहे हैं। और जो गरीब परिवार है वो तो अभी यहीं पे है सर, वो बाहर नहीं गया। सर सरकार ने SDM साहब ने फिर DC साहब ने कहा है कि जब भी ये गाँव वाले लोग कहते हैं भी हमें यहाँ से जाना है तो हमें फ़ोन कर दो, प्रशासन ने नंबर दे रखा है और 10 मिनट में यहाँ पर सारे साधन अवेलेबल हो जाएंगे। मेरी लड़की के साथ अक्टूबर में थी जी सामान ले रखा था शिफ्ट करे जी रिश्तेदारी में वो सामान खराब हो जाएगा जी पैसा लगे था जी गरीब लोग है जी पर जी हाँ जी डर कम हो रहा है जी बहुत ज्यादा पानी का जी तब तक यहाँ जी मान लो रात को पानी छूट जाए पीछे और जमीन का कटाव हो जाए जी रात रात में जी तो रात में कहाँ जाएगी। मेरा नाम सुभाष है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ सर। ठीक है सर, और माहौल तो डर का माहौल बना हुआ है गाँव में। इस भूमि कटाव की वजह से ही डर का माहौल है। ये बहुत दूर थी जो गांव के पास लगी है और प्रशासन हमारी मदद कर रहा है, चाहे पुलिस है चाहे मिलिट्री आई थी उसने भी मदद करी, और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के SDO JE परमानेंट यहीं बैठे हैं सर। प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है, सभी सहयोग कर रहे हैं और गाँव वाले उनसे भी ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं सभी। सर सामान ले के 10-15 लोगों के गए जो रिश्तेदार आए हैं लेने के लिए सामान, वो रिश्तेदार ट्रैक्टर ट्राली लेके आ रहे हैं, वो सामान को लेके जा रहे हैं सेव करने के लिए, तो खतरा किसी भी टाइम गांव में बढ़ सकता है सर, इसलिए जा रहे हैं। और जो गरीब परिवार है वो तो अभी यहीं पे है सर, वो बाहर नहीं गया। सर सरकार ने SDM साहब ने फिर DC साहब ने कहा है कि जब भी ये गांव वाले लोग कहते हैं भी हमें यहाँ से जाना है तो हमें फ़ोन कर दो, प्रशासन ने नंबर दे रखा है और 10 मिनट में यहाँ पर सारे साधन अवेलेबल हो जाएंगे। मेरी लड़की के साथ अक्टूबर में थी जी सामान ले रखा था शिफ्ट करे जी रिश्तेदारी में वो सामान खराब हो जाएगा जी पैसा लगे था जी गरीब लोग है जी पर जी हाँ जी डर कम हो रहा है जी बहुत ज्यादा पानी का जी तब तक यहाँ जी मान लो रात को पानी छूट जाए पीछे और जमीन का कटाव हो जाए जी रात रात में जी तो रात में कहाँ जाएगी। मेरा नाम सुभाष है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ सर। ठीक है सर, और माहौल तो डर का माहौल बना हुआ है गाँव में। इस भूमि कटाव की वजह से ही डर का माहौल है। ये बहुत दूर थी जो गांव के पास लगी है और प्रशासन हमारी मदद कर रहा है, चाहे पुलिस है चाहे मिलिट्री आई थी उसने भी मदद करी, और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के SDO JE परमानेंट यहीं बैठे हैं सर। प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है, सभी सहयोग कर रहे हैं और गाँव वाले उनसे भी ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं सभी। सर सामान ले के 10-15 लोगों के गए जो रिश्तेदार आए हैं लेने के लिए सामान, वो रिश्तेदार ट्रैक्टर ट्राली लेके आ रहे हैं, वो सामान को लेके जा रहे हैं सेव करने के लिए, तो खतरा किसी भी टाइम गांव में बढ़ सकता है सर, इसलिए जा रहे हैं। और जो गरीब परिवार है वो तो अभी यहीं पे है सर, वो बाहर नहीं गया। सर सरकार ने SDM साहब ने फिर DC साहब ने कहा है कि जब भी ये गांव वाले लोग कहते हैं भी हमें यहाँ से जाना है तो हमें फ़ोन कर दो, प्रशासन ने नंबर दे रखा है और 10 मिनट में यहाँ पर सारे साधन अवेलेबल हो जाएंगे।